तो हे गाइस, वेलकम बैक अ नई वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम वन प्लस नोड एन 10 5G और वन प्लस नोड एन 100 के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, ये जो दोनों ही स्मार्टफोन है वो ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं 26th of October को, बट इंडिया लॉन्च का अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। बट इंडिया में ये जो स्मार्टफोन होंगे वो आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे, और ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में आपको नवंबर या दिसंबर के मंथ में मिल सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि 26th October को जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होंगे उसके साथ ही जो इंडिया लॉन्च की डेट है वो भी अनाउंस कर दे वन प्लस। ऐसा हो सकता है क्योंकि वन प्लस जब भी अपनी फ्लैगशिप सीरीज को लॉन्च करता है तो वो पूरे ग्लोबली लॉन्च करता है, उसमें आपको इंडिया भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इंडिया का जो इवेंट होगा वो आपको जल्द ही मिल जाएगा जब ये स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च होंगे। तो गाइस, सबसे पहले ये आपको यूएसए में देखने के लिए मिलेंगे, और यूएसए में ये जो स्मार्टफोन होंगे वो अलग अलग प्राइस के साथ आएंगे। जो वन प्लस का नोड एन 10 5G होगा उसकी प्राइस आपको 29,000 के आसपास मिल सकती है। एक आपको लोअर वेरियंट भी मिल सकता है जिसकी प्राइस आपको 25,000 के आसपास मिल सकती है, बट इंडिया में जिसकी प्राइस होगी वो आपको थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी। और जो एन 100 होगा उसकी प्राइस आपको 14,000 या 15,000 के करीब मिल सकती है यूएस मार्केट के हिसाब से, और इंडिया में भी इसकी जो प्राइस होगी वो थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस, इन स्मार्टफोन का जो डिजाइन है वो भी कंफर्म नहीं है, बट जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरी की पूरी कंफर्म हो चुकी है। और मैं आपको बता दें कि जो इसका डिजाइन होगा वो पूरा का पूरा सेम देखने के लिए मिलेगा जैसा आपको वन प्लस के नोट का देखने के लिए मिलता है, बट पीछे वाली साइड आपको जो कैमराज होंगे वो थोड़े कम देखने के लिए मिल सकते हैं, बट जो डिजाइन होगा वो आपको सिमिलर देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस, रिसेंटली मैक्स जे ने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था वन प्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन्स का जो आपको नोट सीरीज के अंदर मिलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको कुछ इस तरह का डिजाइन देखने के लिए मिल सकता है इन स्मार्टफोन्स का। और ये बात स्पेसिफिकेशन की, तो रिसेंटली दो कोड नेम लीक होकर आए थे, एक बिली एंड क्लोवर। तो गाइस, जो क्लोवर है उसमें आपको वन प्लस का नोड एन 100 देखने के लिए मिलेगा, और जो बिली होगा उसमें आपको वन प्लस का एन 10 5G नाम का स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा। तो जो क्लोवर की स्पेसिफिकेशन लीक होकर आई थी वो आपको वन प्लस एन 100 में देखने के लिए मिलेगी, और जो बिली की स्पेसिफिकेशन लीक होकर आई थी वो आपको वन प्लस नोड एन 10 में देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस, जो वन प्लस का नोड एन 100 होगा इसमें आपको 6.52 इंचेस की एक HD+ वाइड डिस्प्ले मिलेगी जो एक IPS LCD पैनल के साथ आएगी, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 460 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना होगा, और इसमें आपको जो GPU मिलेगा वो डीनो का 610 देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो दो वेरिएंट के साथ इंडिया में लॉन्च हो सकता है, ग्लोबली ये सिर्फ एक ही वेरिएंट के साथ लॉन्च होगा जिसमें आपको 4GB रैम 64GB की स्टोरेज मिलेगी, और जो हायर वेरिएंट होगा वो 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट देखने के लिए मिल सकता है, और इसमें आप 256GB तक MicroSD कार्ड के द्वारा स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो, और इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिल जाएगा जो बेस्ड होगा ऑक्सीजन OS 11 पर, और इसमें आपको 13 MP का रियर कैमरा मिलेगा, 2 MP का डेप्थ एंड 2 MP का मैक्रो सेंसर मिल जाएगा, 16 MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा जिससे आप काफी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हो, और पीछे वाली साइड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी जिसमें आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। और यही बात वन प्लस के नोड एन 10 5G की, तो जो वन प्लस का नोड एन 10 5G होगा इसमें आपको 6.49 इंचेस की एक फुल HD+ वाइड डिस्प्ले मिलेगी जहां पर आपको जो डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट होगे वो 90Hz पर मिल जाएंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि इसमें आपको IPS LCD पैनल होगा या AMOLED पैनल होगा, पर जहां तक मुझे लग रहा है इसमें आपको AMOLED पैनल ही देखने के लिए मिल जाएगा। और रही बात इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 690 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना होगा, और इसमें आपको जो GPU मिलेगा वो डीनो का 619 देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो दो वेरिएंट के साथ ग्लोबली लॉन्च हो सकता है, एक 6GB की रैम 64GB स्टोरेज, 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज। जो रैम टाइप होगी वो LPDDR4X वाली रैम मिलेगी दोनों स्मार्टफोन्स में, और जो स्टोरेज टाइप होगी वो UFS 2.1 देखने के लिए मिल जाएगी एन 10 5G में। इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिलेगा जो ऑक्सीजन OS 11 पर बेस्ड होगा। और रही बात इसके कैमराज की, तो यहाँ पर आपको 4 कैमराज मिल जाएंगे पीछे वाली साइड, जहाँ पर जो मेन कैमरा सेंसर होगा वो 64 MP का होगा, 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा, 2 MP का डेप्थ एंड 2 MP का मैक्रो सेंसर मिल जाएगा। और इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा मिलेगा वो 16 या 32 MP का मिल सकता है, और ये जो स्मार्टफोन होगा वो डुअल 5G मोड को सपोर्ट करेगा और डुअल 4G वोल्टी को भी सपोर्ट करेगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो 4000 या 5000 mAh बैटरी के साथ आएगा जिसमें आपको 30W तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो गाइस, जो N100 होगा उसकी प्राइस आपको 14 से लेकर 15,000 के बीच में मिलेगी US मार्केट के लिए, इंडिया में जिसकी प्राइस होगी वो आपको 11 से लेकर 12,000 के बीच में मिल सकती है, और जो नोड N10 5G होगा उसकी प्राइस आपको 22 से लेकर 23,000 के बीच में मिल सकती है जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस, ये थी वन प्लस नोड N100 एंड N10 की स्पेसिफिकेशन। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप मेरे अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।